लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसी इंसान को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको सबसे अहम चीज क्या जमा करनी चाहिए, क्या उसे आना चाहिए, कैसे उस स्टार्ट करे। एक बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बिजनेस रिसर्चर्स हैं, वो कई सारे पॉइंट्स लेके आते हैं। मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे जहन में है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन उसको गौर से सुने, और ये बहुत अच्छा सवाल है इस पे बहस करने के लिए, गुफ्तगु करने के लिए। क्या एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमें एक दुकान होने की ज़रूरत है आज के दौर में? नहीं, शायद नहीं। वो दौर चला गया कि अब दुकान एक होनी चाहिए थी और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। क्या एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमें मशीनरी, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, जैसे मशीनरी हो गई, बड़े बड़े फर्नीचर्स हो गए, बड़ी बड़ी कुछ गाड़ियां हो गई, इस टाइप की चीजें, क्या वो जरूरत है? शायद नहीं, उनके बगैर भी काम हो सकता है। जैसे हमने वो पानी की बॉटल वाला प्लांट के बारे में जो बिजनेस प्लान था छोटा सा, हमने वो डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, फिर सवाल सबसे बड़ा ही खड़ा होता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो हमारी जो आज की इक्तिसादी जो स्टडीज हैं, इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज हैं, उसने जो एंटरप्रेन्योरशिप है, कारोबार है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको चार हिस्सों में बांटा है और कहा कि चार चीजें जरूरी हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। वो चार चीजें क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जमीन, मजदूर, लेबर, ठीक है, कैपिटल, पैसा, इन्वेस्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मैं कहता हूं अगर आप शुरू की तीन चीजें हटा लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप खुद हैं। ओके, बिजनेस शुरू करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका विजन, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, आपका टारगेट कि मुझे बिजनेस करना है। मैं बिजनेस इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ कमाना है, मैं बिजनेस इसलिए करूंगा मेरा पैशन है, और मैं नहीं करूंगा तो कोई और मेरा वो मौका ले जाएगा। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है कि रिस्क ढूंढो। जी, अगर हम यहाँ बैठ जाएं और हमारे सामने प्लेट हो और हम कह देंगे कि हाँ हमसे अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया, तो ये निवाला खुद बन गया, खुद हमारे मुंह में चला जाएगा, क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। हम इस डर से घर के बाहर निकलेंगे, घर के बाहर निकलेंगे हमारा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हम बिजनेस यूं नहीं करते कि हमें रिस्क हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? जब इतना कंजर्वेटिव होके खेलेंगे कैसे पॉसिबल? ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? आप खुद। जी, इफ यू आर अनेबल टू टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ, अगर आप अपने लिए फैसला खुद नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला भी उस कौम की मदद उस वक्त तक नहीं करता जब तक वो कौम अपनी मदद खुद ना करे। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई नाज़रीन हमारे फवाद साहब ने कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी और किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत है आपको अपने अंदर यकीन रखने की, एक उस आइडिया की, जिस आइडिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा यकीन है। अगर वो आइडिया आपके पास है और यकीन आपका आपके अंदर है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए मजीद आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। फवाद साहब, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है कि एक आइडिया और उसके अंदर यकीन, फिर आगे बताइए सर। देखिए, आगे चीजें खुद ब खुद शेप होना शुरू हो जाएंगी। ओके, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो बिजनेस मैगजीन्स हैं, इंटरनेट पर बहुत मटीरियल मौजूद है, इस्लामिक भी, नॉन इस्लामिक। नॉन इस्लामिक से मतलब ये नहीं कि वो हराम की तरफ वाला, नॉन इस्लामिक से मुरादी की जो नॉन इस्लामिक स्कॉलर्स ने लिखा है, जो उन लोगों ने लिखा है जो बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको पहले खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, कि आपको खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हाँ, क्या मैं इस पोजिशन में हूँ कि मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं इस पोजिशन में हूँ कि मेरे पास ऑब्जर्विंग पावर है, महसूस करने की चीज़ों को पावर है? क्या मैं इस पोजिशन में हूँ कि मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूँ? ईगो मेरे अंदर खत्म होनी चाहिए, ईगो मेरे अंदर खत्म होनी चाहिए। यकीन मानिए 99% फेलियर का केस ईगो होता है। जी बिल्कुल सही। मेरे सप्लायर ने मुझे आज ऐसे बात करी, मेरे बायर ने मुझे ध्यान नहीं दिया, मैं नहीं करता इनके साथ ट्रेड। आप इनके साथ ट्रेड नहीं करोगे, दुनिया में तो रहना है ना, ये लोग भी दुनिया में रहेंगे, आप भी दुनिया में रहेंगे, लेकिन आपकी ईगो शायद बीच में आ गई थी, जिसने आपके सप्लायर से आपके कॉन्टैक्ट खत्म करा दिए, आपके बायर से आपके कॉन्टैक्ट खत्म करा दिए, मार्केट में आपकी रेपो खत्म करा दी, आपकी इज्जत जो आपने बनाई थी वो खत्म करा दी। ठीक है, ईगो खत्म करनी चाहिए। और स्टार्टिंग में जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों को शुरू करना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सक्सेस स्टोरीज पढ़ा करें। हर सक्सेस स्टोरी में कहीं ना कहीं वो ये देखेंगे कि कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस, आज मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का कोई बिजनेस क्यों ना हो, वो एक छोटे से कमरे से शुरू होगा। उसने शुरू में वेबसाइट्स नहीं बना ली होंगी, उसने शुरू में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी कर ली होंगी। हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली उसने ग्रो करा, रोजाना उसने ग्रो करा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कहां पर बैठा है? अल्लाह के फजल से। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।